आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, जहां एक प्रेस वार्ता फिलहाल जारी। आज मैं दो टीमों के फीडबैक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। पुणे में आईएमसीटी ने विस्तृत दौरे किए हैं। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़, खरलवाड़ी और बारामती कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के शेल्टर कैंप्स, सब्जी बाजार, पीडीएस की दुकानें, जिला परिषद का कंट्रोल, नगर निगम का वॉर रूम, अस्पतालों इत्यादि का दौरा किया है। आईएमसीटी ने पाया कि पुणे में कोविड-19 का डबलिंग रेट 7 दिन है, जो बाकी देश की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। और जहां देश में 23 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस का एवरेज है, वहां पुणे में 9 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों की पहचान तेजी से की जानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़ानी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी तेजी लानी चाहिए, और जिससे कि हम ये कार्य पूरा कर सके। स्लम्स में, बाजारों में और अन्य स्थानों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। स्लम्स में होम क्वारंटाइन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बढ़ावा देना जरूरी है। डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस अधिकारी, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले दुकानदार और फल सब्जी के विक्रेता में भी कई लोग के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंताजनक है, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि इन वर्गों में प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे अनजाने में ही कोविड संक्रमण के कैरियर या सोर्स ना बने और स्वयं की भी सुरक्षा कर पाए। आईएमसीटी ने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के गृह मंत्री जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी वीसी पर विचार विमर्श किया। अब मैं आपको जयपुर की आईएमसीटी के बारे में बताऊंगी। जयपुर की आईएमसीटी ने पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स, कंटेनमेंट जोन्स और मजदूरों के लिए स्थापित रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया कि वॉल्ड सिटी में शाम को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए कि राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और भी व्यवस्थित हो, क्वारंटाइन कैंप्स को आवासीय क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने टेस्ट के रिजल्ट्स की गति बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि गैर कोविड अस्पतालों की भी पहचान की जाए, ताकि लोगों को अन्य चिकित्सा सेवाओं की सुविधा मिल सके। आईएमसीटीज ने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाया कि स्थानीय प्रशासन लगन और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इन सुझावों से स्थिति को बेहतर बना सकेंगे। कोविड-19 की चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे अगर लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से अगर हम देखें तो भारत में 1,396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट एड हुए हैं अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटका में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं, वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं
25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं एक और मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि हम एक इंफेक्शियस डिजीज से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें सबका साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे मन में फियर या पैनिक घर कर लेता है। और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट करने लगते हैं, हम उन्हें स्टिग्माइज करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, ना कि बीमार व्यक्ति के साथ। इस स्टिग्मा के चलते हुए कई बार पेशेंट्स भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इससे ना केवल उस पेशेंट को हार्म होता है, उसकी फैमिली को हार्म होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होना संभव है। जरूरत है कि हम पेशेंट्स का साथ दें, उसके साथ खड़े हों और उसका सपोर्ट बने। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को फैलने से रोकना है। कोविड 19 के स्प्रेड के लिए किसी भी कम्युनिटी या एरिया को लेबल नहीं करना है। खास करके हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स या पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टिग्मा के इस डीप रूटेड इशू को एक इंटेंसिव कैंपेन के माध्यम से आज हम सबको मिलकर एड्रेस करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए। कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी, जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडीज से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज जरूरत है कि हर यूथ ग्रुप, हर एनजीओ, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर पंचायत लीडर, ग्रास रूट में काम करने वाला हर मनुष्य वह खड़ा हो, वह आगे आए और कम्युनिटी में इस बिहेवियरल चेंज के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये लड़ाई पेशेंट्स की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, तो क्योंकि नहीं तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। इस निस्वार्थ रूप से जब वह हमारी सेवा करने के लिए अपनी जान को डोखे में डालकर काम कर रहे हैं, तब जरूरत है कि हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े हों।